रोज ईद मिलाद उन नबी पूरे शौक और शौक के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां भी मुसलमान आबाद है वहां पर मनाई गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम फॉर ऑल के नाम से एक काउंसलिंग कैंपेन का आगाज किया गया है और ये रोशनी अब पाकिस्तान से होती हुई पूरी दुनिया तक पहुंचाई गई। एग्जैक्टली, और उस जो इवेंट था उसमें जो है वो मुल्की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत भी की और इस मौका पर उन्होंने अपने ख्याल से इजहार भी किया, तो आइए आपको वो सब दिखाते हैं। आज हम यहाँ पे इस्लाम फॉर ऑल कॉन्फ्रेंस में हम सारे इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मनाया जा रहा है और हम समझते हैं कि हमारे नबी जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं और हमें उनकी जो ज़िंदगी है उसको लेके अपने साथ चलना है और पीस और हार्मनी का लेसन देना है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और बताना है कि जो दीन इस्लाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया है और आप पूरे जहानों के लिए रहमत बन के आए। आज का दिन हमसे ये डिमांड करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ढालें और उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन पहलुओं पर, उनके तो सब पहलू ही बेहतरीन हैं, उस पर अमल पैरा हो जाए, उन जैसा अखलाक अपनाएं, उन जैसी आदात अपनाएं, एक अच्छे मुसलमान बन जाएं। आज ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इस्लाम फॉर ऑल, यानी इस्लाम सब के लिए, ये भी जो फराज़ अज़ीम शाह हैं और उनके जो रफ़क़ा हैं वो बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए, जिस तरह रोशनी सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, चांद सबके लिए है, हवा सबके लिए है, उसलिए इस्लाम जो है वो भी सबके लिए है। ये गैर मुस्लिमों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, यानी गैर मुस्लिमों को भी ये सुकून देता है, अमन देता है, तहफ्फुज़ देता है। तो हमें यही जो इस्लाम है उसके मुताबिक अपने मुआशरे की तामीर करनी है। फंडामेंटलिज़्म, फिर एक टेररिज्म, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको एसोसिएट किया जाता है इस्लाम के साथ, जबकि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। सो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इस्लाम की जो असल रूह है, जो असल चेहरा है इस्लाम का, वो हमने ग्लोबली किस तरह से पहुंचाना है, किस तरह से ये जो हमने जो मुसलमानों के जो एक सोशल जस्टिस का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया को पहुंचाने के लिए, आई थिंक इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर अ वेलकम एडिशन। आज इस काउंसलिंग कैंपेन को जो हमने अनाउंस किया है, इसके पीछे मकसद ये था कि इस्लाम और जो रसूल पाक की ज़िंदगी है और जो मिसालें उन्होंने हमारे लिए सेट की हैं वो बेस्ड करती हैं इंसानियत पर। तो जो हमारा दीन है इस्लाम वो बेस करता है इंसानियत पर, इंसानी हकूक़ पर। तो इन तालीमात को पूरी दुनिया में लेके जाना और स्पेशली ऑफ कोर्स पाकिस्तान के कूचे, गली, मस्जिदें, स्कूल्स, हर डिपार्टमेंट में मैं और मेरी टीम, हम खुद इस काउंसलिंग कैंपेन को लेके चलेंगे। आपने मुलाहिज़ा कि इस्लाम फॉर ऑल के नाम से ये काउंसलिंग कैंपेन का आगाज़ किया गया है। इसकी ऑर्गेनाइज़र जो थी, जो इनकी फाउंडर थी, फराह अज़ीम शाह थी, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको न सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया है बल्कि वो ये यकीन रखती हैं कि इसे पूरी दुनिया तक वो लेकर जाएंगी। Exactly, और यकीन अगर आपका हो जाता है तो आप कोई भी काम जो है वो उसको मुमकिन बना सकते हैं। सो हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे।